फ्रोजन लेक पे वॉक कर रहे हैं जी। हैं आज तक नहीं करी थी, कमाल है, बिल्कुल फ्रोजन है। अभी आपको दिखाते हैं लेक के नीचे पानी, इस बंदे ने चेक कर रखा है नीचे फिशिंग करने के लिए। इससे पूछता हूँ कि ये दिखाने देगा या नहीं। एक चेक ये मिल गया, ये देखो ये लेक है पूरी फ्रोजन और ये किसी ने चेक कर रखा है। करीबन मुझे 9 इंच का लगभग जमी हुई लग रही है। ओए होए, आई सी यू डूइंग समथिंग, व्हाट इज इट? ट्राइंग टू कैच फिश। फिश, हैव यू कॉट एनी येट? नो, फिश आर नॉट प्लेइंग अलोंग। नो, ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ होल इज द, हाउ डीप इज दिस लेक, और लाइक हाउ डीप इज दैट आइस? ओह, द आइस इज प्लेनी डीप, इज लाइक व्हाट, 20 सेंटीमीटर्स, आई डोंट, मेबी 8-9 inches। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फिशिंग फॉर टुडे? Just now. Maybe he'll get lucky soon. You got a bite. You got a bite right now. I'm not kidding you. कह रहा है इसको मछली ने जो है ना इसका कांटे में मुंह डाल दिया। अब देखते हैं निकलती है या नहीं निकलती। Just had a bite. Can you believe this? I was no longer interested. Oh. बेचारे की बेट चुक के चली गई फिश। पता नहीं क्या हुआ, अब नहीं है। I don't. Do you eat fish? Yeah, I eat fish. Yes. He does. So what kind of fish do you find in this lake? Actually, there's put trout in here. So some trout? Catch trout. Okay. And there's little sunfish, bass, and brim, bluegill. Some crappies. This is super interesting. See, he has. इसने इसको यहीं पे सेट कर दिया। अपने आप जो है अंदर इसकी ये फिशिंग रोप जो भी बोलते हैं लगा रखे हैं। ये जो छेक है इस बंदे ने, ये इक्विपमेंट है, इससे छेक करता है ये। और छेक करना आसान नहीं है, बड़ी मेहनत का काम है, पर बंदे को शौक है तो वो कर रहा है। मेरे को तो ये डर लगी जा रहा है, अगर पता लगे ये आइस में क्रैक आ गया तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे अपने आप को बचाना भी नहीं आता। भूपेंद्र तेरे को आता है बचाना? मरना नहीं है अभी भाई, ऐसी बातें नहीं करनी हमें। That's what I'm fishing with there. What are these called? Wax worms. Wax worms. Yes. Okay. Then I'm gonna... देख के दिखा रही है, बता रही है कि इसमें कोई मछली पकड़ी है या नहीं पकड़ी गई। If I still have a worm on. Yep, I have 2 of them, so good. Okay, are these live worms? Yes. Oh, they are. Okay, okay. Can you show us once, Betty, how deep the lake is? Yes. Whenever you are able to. Yes. इनके पास एक ये डिवाइस सा है, इस पे वो बना हुआ है कि भाई कितनी क्या डीप है। Is it just a scooper that cleans out the ice? Okay. And of course we go for inches here. So we go down. It is 11 and a half inches, 12 inches. Yeah. Okay. 12 इंच मोटी जो है बर्फ जमी हुई है लेक के ऊपर, तो बड़ा मुश्किल है ये अभी टूटना। 4 डिग्री टेम्परेचर है तो आज तो ये नहीं पिघलेगी, पर कल यहाँ पे और गर्म हो रहा है मौसम तो शायद पिघल जाए। पर तब तक जो है मैं दोबारा इस पर नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे को तैरना नहीं आता। अगर क्रैक आ गया है, इसमें पिक्चरों में इतना देखा है हमने, अगर क्रैक आ गया तो आप वहीं के वहीं गिर जाओगे। मेरे को अपनी जान प्यारी है, मेरे को आप लोगों को वीडियोस बना के दिखानी है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखानी है, तो मैं दोबारा कल नहीं आऊँगा। 12 इंच की कभी 2 इंच रह जाए कुछ नहीं कह सकते। किसी ने यहाँ पे स्नोमैन बनाने की कोशिश करी पर वो बीच में छोड़ दिया, बॉडी बना दी, हाथ पैर मुंह सिर वगैरह लाते रख दी, पर असेंबल नहीं करा किसी ने। ये जो आपने अभी देखी, ये भूपिंदर के अपार्टमेंट के पीछे ये क्रीक है, छोटी सी रिवर, जो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आती है क्योंकि मेरे मैं छोटे से गांव से आता हूँ, वहाँ पे
छोटी छोटी ऐसी नदियाँ होती थी, खेत होते थे, तो खेत के बीच में ना वो लोग पानी का भाव बनाने के लिए चलाते थे, तो मैं उसमें पैर डाल के बैठ जाता था, तो मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज उसकी बनी हुई हैं। तो मेरे को ऐसी क्रीक्स बड़ी पसंद आती हैं, मेरे को हमेशा ना अपनी बचपन की याद आ जाती है इससे। तो ये कह रहा था कि पीछे बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो चलते हैं वॉक पे। मैंने कहा चलो चलें, तो हम आए हुए हैं। कल कल जब हमने आपको लेक दिखाया, उसके बाद हम गए थे सबवे, थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, फिर भी हमने चाय समोसा और फिर घर आके हम पड़ गए, बस लेट गए। फिर आज सुबह उठे हैं, थोड़ा लेट उठे, अब वॉक पे निकले हैं नाश्ता करने के बाद। भूपिंदर की वाइफ मानवी ने बड़े अच्छे पराठे बनाए थे, वो खा लिए, और धूप निकली हुई है, 2 डिग्री टेम्परेचर है, मज़ा आ रहा है। अच्छा आई गिलहरी, यहाँ की गिलहरियाँ भी क्या अच्छी मोटी ताजी मोटी खासी होती हैं। कांगी तो कांगी भाई, ओ चढ़ गई ऊपर, ओरी हेलो, कितनी बड़ी मोटी गिलहरी है। तो जी वॉक करके हम वापस आ गए थे घर पे, अब नहा लिए, फ्रेश हो लिए, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा अब हम पास्ता खाएंगे। कल रात को ऑलिव गार्डन गए थे, वहाँ पे पास्ता मंगवाया था पर ज़्यादा हो गया था, तो हम पैक करा के ले आए थे, वो खा लेंगे थोड़ा सा एज अ स्नैक। फिर उसके बाद अब हम निकल रहे हैं, और पहले जाएंगे कॉस्को, कॉस्को में गाड़ी लगाएंगे ऐसी, फिर वहाँ से हम जाएंगे देमोई, वहाँ पे हम डिनर करेंगे, देखेंगे क्या क्यूजीन खाना है, इंडियन, मैक्सिकन, थाई, इटालियन, चाइनीज़, जापनीज़, मंगोलियन या क्या वो देखते हैं। तो अब यहाँ से फिर निकलते हैं, चलो। आसमान पड़ा हुआ पूरा नीला, पर ठंड है पूरी, 1 डिग्री टेम्परेचर। पेंगुइन वॉक करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्लिप हो गए, गिर गया तो मेरा कंधा दोबारा मैं हर्ट नहीं करना चाहता। तो ठीक है जी, तो चलते हैं अब निकल के फाइनली। हाँ जी सर, कहाँ ले आए आप? इंडियन रेस्टोरेंट है काठमांडू। नेपाली भी है? तो हम निकले वहाँ से, कॉस्को का एक ट्रिप मारा, उसके बाद हम आगे रेस्टोरेंट में, मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा था तो हम यहाँ पे आए हैं, देखते हैं वैरायटी इनके पास क्या है। फ्राइड मोमोज मैंने दिल्ली में खाए हुए, क्यूडीज एक हडसन लेन पे होता था रेस्टोरेंट, उस टाइप का कुछ है वैरायटी, तो लेट्स सी। मैंने करे वेजिटेबल फ्राइड मोमोज, जो कि इंडिया में खाए थे, अभी आपको बताया मैंने वीडियो में, बड़े टाइम बाद सियाटल में मुझे मिले नहीं, पता नहीं क्यों, सरी में मैं जाऊंगा, कोशिश करूंगा ढूंढने की, पर यहाँ पे फ्राइड वेजिटेबल मोमोज मिल गए, मैंने वो ऑर्डर कर दिए, और एक इनकी स्पाइसी सॉस जो इंडिया में रेडी में मिलते हैं, वहाँ पे रेडी भी क्या छोटे छोटे खड़े होते हैं। तो अब हमारी चाउमीन आगे ठंडी हो रही है, वो खाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो जी हम इनकी आयोवा स्टेट की कैपिटल बिल्डिंग भी देख ली फाइनली, आपको अपनी वॉशिंगटन स्टेट की भी दिखाएंगे, जो कि ओलंपिया में है, हमारे घर से करीबन 1.5 घंटा दूर है, इसलिए हम जाते नहीं हैं, 1.5 के भी पौने 2 घंटे दूर है। तो बड़ी सुंदर बिल्डिंग है यहाँ की, आप यहीं की देख लो, ओलंपिया की तो शायद आपको नहीं दिखा पाएंगे हम, ये देख लो।